हेलो। हेलो, हाँ, सलामकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। कौन भाई? जी जी, आप तूफान खान बोल रहे हैं? जी, जी बताइए भाई। बस आपसे ऐसे ही बात करनी थी। कोई बस क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे आपका बहुत मतलब देख रहा हूँ चर्चा, इसीलिए बात करना। हालांकि कोई मेरा ना, मैं कोई आलिम हूँ ना कुछ, बस ऐसे ही कहा देखें भाई, अब 3 तारीख को कुछ मामला सुनने में आया है। नहीं नहीं भाई, वो तो फारूक खान लैपटॉप बाबा हैं, उन्होंने खुद ही मेरे को बीच से हटा के ये साबित कर दिया कि उनके पास ना तो हिम्मत है ना दम है मुनाजरा करने का, तो खाली बकवासबाजी करते हैं। नहीं, आज कई दिन से मैं सोच रहा था आपका नंबर मिल जाए, आपका नंबर तो आज हेलो सलाम हेलो। हाँ वालेकुम। कौन? हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, वही बोल, अबू खान बोल रहे हैं क्या आप? जी 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 भाई, कौन आप? जी, मैं मराठा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नवाज। जी मराठा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नवाज। जी जी बोलिए मोहम्मद भाई, खैरियत? जी नहीं, हाँ लिहाज कर रहा हूँ, आप खैरियत है? ठीक हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। है रीता। अच्छा, ये जैसे उसके पेशाब के बारे में कुछ सुना था बयान, वो सही समझ नहीं आया, थोड़ी जानकारी चाहिए था उसका। काय के बारे में? जैसे ऊँट का पेशाब हदीस मौजूद है, बताई थी आपने। देखिए, ऊँट के पेशाब के ताल्लुक से मेरे भाई हदीस आती है बुखारी शरीफ में, ठीक है? अब जो इसका मफहूम है मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ। उसमें ये है कि मतलब कुछ लोग आते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक शख्स होता है, वो कहता है कि हमें जो है वो पेट की मतलब भाई वो हो गई है, उस टाइम पे मतलब एक बीमारी थी जिसमें पेट में एकदम गर्मी भर जाती थी, ठीक है, अच्छा, जी और बेचारे वो लोग बहुत एकदम परेशान भाई वो रहते थे। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था इलाज के तौर पे कि आप जो ऊँटों का जो बाड़ा है वहां पे जाके रहें, और ऊँट का जो दूध है और ऊँट का जो पेशाब है अच्छा उसको मतलब भाई एक साथ उसको पिए मिला के, ठीक है। अच्छा अच्छा तो वो लोग ऊँटों के बाड़े में चले गए, तो उन्होंने ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध को मिला के उन्होंने पीना शुरू कर दिया, अच्छा और बढ़िया वो 1-2 महीने में एकदम भाई एकदम मतलब भाई वो अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए, ठीक है, मोटे ताजे हो गए। जब वो जी ठीक हो गए, मोटे ताजे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जो ऊँटों का बाड़ा था वहां पे देख रेख करने वाले को मार दिया, और जो ऊँट अच्छा थे उनको लेके भाग गए। तो ये बात अल्लाह के नबी तक भाई पहुंची, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो उसको ढूंढ के लाया गया, तो अल्लाह के नबी ने उसको कत्ल करवा दिया। तो ये है, अब ये जो हदीस है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ऊँट का पेशाब जाके पी लो, और ऊँट का पेशाब पीना तो सुन्नत है, फटाक से डेली पीना ही पीना है, जो ना पिए वो तो मेरे भाई किसी काम का, ऐसा नहीं है। इलाज के तौर पर अच्छा ये अच्छा कहा था कि ऊँट इलाज के के तौर पर, पेशाब को और ऊँट के दूध को, ठीक है, बराबर मात्रा में अपना उसको मिला के पियो तो ठीक हो जाओगे। और आज की जो मेरे भाई जो साइंस है वो भी इसके ऊपर बकायदा मतलब भाई वो तहकीक कर रही है, ठीक है। तो ये जो कैंसर होता है इंसानों को, कैंसर, तो जी कैंसर की मतलब जो दवा होती है उसको बनाने की जो मतलब हो रही है, ठीक है, रिसर्च उसकी मेरे भाई चालू है। तो अच्छा कैंसर का अच्छा जो इलाज है उसकी जो दवा है वो ऊँट के पेशाब और ऊँट के दूध से, ठीक है, उसको देखा जा रहा है कि ये काम करती है कि नहीं। अब बाकी जो ये मुकल्लिफ लोग हैं वो हम लोग को छेड़ने के लिए कहते हैं कि तुम तो भाई अहले हदीस हो ना, जाओ ऊँट का पेशाब पियो, भाई हदीस में आया है ऊँट का पेशाब जाके पियो। तो ये हम लोग के उंगली करने के लिए कहते हैं, जबकि भाई ये अल्लाह के नबी की जो बात है उसका मजाक बनाते हैं। और ये कोई हदीस ऐसी भी नहीं है कि कोई कहता है ये तो ज़ईफ़ हदीस है, झूठी हदीस है, नहीं मेरे भाई, बुखारी की हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा हाँ बुखारी की हदीस है, ठीक है, और बिल्कुल सही हदीस है, और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, अल्लाह के नबी ने उसको इलाज बताया कि जो ऊँट का मतलब जो जो पेशाब है और ऊँट का दूध है उसको मिला के पियो। ना, अब खान साहब देखिए, मेरा ये कह रही था, जैसे आजकल के बीमारी चल रही है, जैसे आम तुम पी लें या कोई मिलाकर, कोई इसमें कोई हरज? देखिए जो हकीम है उन्होंने बकायदा मतलब इसके ऊपर किया, ठीक है, तजुर्बा किया है, तो किसी को
मानिए पेट का मर्ज है, ठीक है, पेट में मतलब गर्मी उसके भर गई है, ठीक है, ये भी एक अच्छा मतलब बीमारी अच्छा होती है, पेट में गर्मी जब मतलब भाई वो बन जाती है तो, पेट में गर्मी भर गया। हाँ तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, एकदम कमजोर हो जाता है, कुछ भी असर नहीं करता है, अजीब से बेचैन उसकी भाई वो रहती है तबीयत। तो अगर भाई वो अल्लाह के नबी का जो ये बताया हुआ इलाज है अगर उस पर अमल करता है, लेकिन उसके लिए मतलब इसमें जो कंडीशन है ना वो तीन कंडीशन है कि ऊँटों के बाड़े में जाके रहो और ऊँट का अच्छा पेशाब और ऊँट के दूध का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अगर ये वो तीनों काम करता है तो इंशाल्लाह अल्लाह के नबी ने कहा है आराम उसको हो जाएगी। अच्छा हाँ लेकिन इस बारे बिना में डॉक्टर जानकारी की ले राय लेते के बस। ऐसा मेरे भाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा मर्ज था पेट का। ठीक, हाँ अमानी सही बात आपके आपके हल्की सी गैस बन रही है और आप पहुंच गए ऊँटों के बाड़े में और वहाँ ऊँट का दूध और पेशाब भाई पीना स्टार्ट कर दिया, तो ये नहीं है। जी बहुत बड़ा मर्ज पेट का। जैसे मतलब आपके कोई टाइम पे बोले तो आपके जो पेट है उसमें मतलब कुछ कैंसर हो जाए, आंतों में गर्मी भर जाए, ठीक है, मतलब इस टाइप की अगर अच्छा बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे पहली चीज तो कोई को हो, और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो भाई वो किसी अच्छे आलिम दीन से कंफर्म करे कि क्या ये इलाज हम कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपको बता देगा। जी, जानकारी लेनी थी थोड़ा, इसमें मसला लेना था ना, बस आपसे पता चल गई। ठीक जी, है सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए दूसरे वाले भाई। भाई मैं रुखसार बोल रहा हूँ, इधर रायबरेली जिला से। मेरा नाम रुखसार अहमद है। अच्छा, रुखसार अहमद भाई, माशाल्लाह, बताइए। जी, अभी मैं कई दिन से मतलब मोबाइल पे देख रहा था आपका चर्चे, तो हमने कहा कि फारूक खान जो रिजवी हैं उनका मुनाजरा कुछ मामला, तो हमने कहा देखें कब हम शायद हम लोग भी पहुंचे, देखें तो कम से कम। अरे भाई वो भगौड़ा है, ठीक है, वो नहीं आएगा, उसको चारों तरफ से मेरे भाई घेरने की कोशिश की, तब भी बहाना बहाना के भाई वो अपना इनकारी कर दिया। जी, चलो ठीक है, बस इसीलिए जानकारी चाहिए थी, क्योंकि देखा था तो आज हमने कई लोगों से तो बताया, हम कहा यार चलना पड़ेगा वहाँ पे कहीं, क्योंकि आपकी पार्टी कम भी है ना, तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ अरे भाई आप हेल्प। टेंशन ना लीजिए, साहबा हमारे 313 थे और हजारों को खदेड़ दिया था। नहीं, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए कि जो है जमात के लिए जो है कुछ ना कुछ काम ही आ जाऊं, इसीलिए जो नहीं है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, आपने कम से कम इतना सोचा तो मेरे प्यारे भाई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मेरे भाई खूब खुश रखे, तो माल और दौलत दे, इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, आने वाली तमाम मुसीबतों परेशानियों से आपको बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। भाई वो हमने कई बार आज फोन लगाया इस नंबर से आपके, उससे मिस कॉल पड़ी होगी कई बार लगाया, उसके बाद हमने सोचा कि हो सकता है कि कहीं बहुत से लोग तंग भी करते होंगे आपको, तो भाई तंग की बात नहीं, आप ये बताइए, मैं सुबह जाता हूँ मेरे भाई अपने काम पे ऑफिस, ठीक है, जी, 10 बजे निकलता हूँ, ग्यारह बजे जी वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ से रात के 9 बजे आता हूँ, ठीक है, फिर जी 9 बजे के बाद जो अपनी दीनी काम है उनको देखना, उसके बाद जी जिन जिन मतलब भाई उनसे बात की उसका वीडियो बना के अपलोड करना, फिर बाकी जो लोग मेरे भाई व्हाट्सएप पे अपना सवाल जवाब कर रहे हैं उनका जवाब देना, फिर फेसबुक पे क्या चल रहा है उसको देखना, ठीक है, यूट्यूब पे बाकी लोग मतलब हमारे नाम से क्या क्या डाल रहे हैं उसको देखना, अपनी फैमिली को देखना, माँ बाप को देखना, बीवी को देखना। अब समझ लीजिए मेरे को मेरे भाई 1.5 महीना हो गया, मैं अपने दोस्तों के साथ ना मैं कहीं घूमने गया ना कहीं ऑफिस की पार्टी में गया, समझ रहे हैं, तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, और फोन तो इतने आते हैं कि अल्लाह जाने शायद ही कभी कोई ऐसा 1 घंटा हो जिसमें मैं सुकून से बैठा हूँ, हर दस दस मिनट पे कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल, और एक नंबर से ना उठाओ तो दूसरे नंबर से कॉल करने लगते हैं, दूसरे से ना उठाओ तो तीसरे जी नंबर से कॉल करने लगते हैं, तो भाई इंसान है जी जी मशीन थोड़ी ना है भाई। जी इसीलिए तो हमने जो है फिर उसके बाद जो है भेजा वो तिर्मिजी शरीफ की हदीस भेजा और क्या बोलते हैं बुखारी की, तो हमने कहा शायद इससे कुछ आपको महसूस हो तो फोन रिसीव करें, मेरे बहुत से लोग परेशान भी करते हैं ना, मैं समझता हूँ, तो इसलिए जो है अभी आपका असल में फोन खुद जुट गया। खुद के पास वक्त नहीं मिल रहा है ना, अब हमें भी तो मेरे भाई अपनी पढ़ाई करनी है, तहकीक करनी है,
अब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जितना मतलब भाई इल्म आ गया है उतना ही काफी है, और भी तो आगे हासिल करना है ना। अब इतनी मेरे भाई किताबें रखी हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा नहीं करना है ना, मुझे अपनी भी तालीम हासिल करना है। जब भाई सीखेंगे तभी तो लोगों को बताएंगे ना। अब जितना सीख लिया है उतना तो बता ही रहे हैं, लेकिन और आगे भी तो सीखना है, ताकि मेरे भाई देखिए ये जो मुकल्लिद होता है ना, ये कब कौन सी क्या सवाल पूछ ले, और अगर जवाब आप मेरे भाई नहीं दे पाए तो ये फौरन आपको बदनाम कर देगा, अरे ये तो जाहिल होते हैं, इनको पता नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीजें कोशिश करके सब कुछ मेरे भाई सीखने की मतलब भाई कोशिश करूँ। और मेरे अंदर एक ही आदत है, मेरे एक चीज मेरे भाई दिमाग में बैठ गई कि मुझे इल्म हासिल करना है तो करना है। ये फला टॉपिक भाई हमारा कमजोर है तो इसको पहले मजबूत करना है कि नहीं करना है, तो ये मामला रहता है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी भाई जी, कौन? खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी आप कौन बोल रहे हैं? हाँ आप बताइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मकनपुर शरीफ। अच्छा, मकनपुर शरीफ से, दम मदार बेड़ा पार वाले। जी हाँ, मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दायरे अक़दस से बोल रहा हूँ जी, बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है भाई, प्यारे भाई आपका? जी आपका नाम क्या है? हाँ आप, हमने सुना है कि भाई आप वलियों से कीना बुक्स रखते हैं। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मेरे भाई अल्लाह के वलियों से अगर कोई मेरे भाई दुश्मनी रखेगा ना तो अल्लाह उससे जंग करेगा। अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि जो मेरे मतलब जो अच्छे हैं, नेक बंदे हैं, वली हैं, उनसे कोई मेरे पे दुश्मनी अगर रखता है तो अल्लाह ताला जंग करेगा। तो हम भला कैसे वलियों की शान में तौहीन कर सकते हैं? नहीं मैंने हमने सुना है गुस्ताखे आप हैं सारे भाई, ये लोग झूठ बोल देते हैं मेरे नाम से। भाई हम तो वलियों की इज्जत करते हैं, लेकिन अब वलियों की इज्जत जैसे करना चाहिए वैसे करते हैं, माबूद बना के नहीं करते। फातिहा नहीं मानते, इज्जत करना अलग चीज है और उस पर ईमान लाना अलग चीज है भाई। भाई क्या कह रहे हैं? वलियों पर ईमान लाना अलग चीज है और इज्जत क्या करना है? इज्जत तो हर आदमी एक दूसरे की करता है इंसान के मुतालिक। देखिए असल बात ये है ना, जैसे मेरे भाई ईसा अलैहि सलाम, जी अब हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम लोग कहाँ इज्जत करते हो, ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो हम बेटा नहीं मानते ईसा को, ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह के नबी का अजीज का गंबर मानते हैं। अपने आप को जो पहचाने। अच्छा भाई ये बताइए आप लोग, क्या मेरे भाई ये मतलब वलियों की जो सौगंध है, कसम है, वो खा के फोन करते हैं कि हम अकेले बोलेंगे, अफू खान को बोलने नहीं देंगे? नहीं आप बोलिए, आपका कोई मैंने बैंड नहीं लगाया है भाई। वही तो मैं आपको आप समझा रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हो हाँ। कि भाई जो हम लोग हैं अल्लाह के वली को नहीं मानते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के जो मेरे भाई नेक बंदे हैं, वली हैं, उनको मानते हैं, लेकिन वैसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल के तौर पे ईसाई लोग कहते हैं कि अरे आप लोग तो ईसा को नहीं मानते, तो हम लोग कहते हैं मानते तो, वो कहते हैं ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। से भी आपको गुरेज है क्या? किससे? आपको फातिहा से भी गुरेज है? अच्छा फातिहा से। हाँ फातिहा से। अच्छा भाई आप पहले एक काम कीजिए, अपना पहले भाई जो नाम है तारुफ अपना मेरे भाई बताएंगे। मदारी भाई कुरान के भी आप मुनकिर नहीं? मदारी भाई पहले अपना नाम तो बता दीजिए। नहीं कुरान के भी आप मुनकिर होंगे क्या? फातिहा नहीं भाई? देखिए अब आप अपना नाम ही नहीं बता रहे हैं। पहले इंसान मेरे भाई अच्छे से बात करता है, तारुफ अपना देता है, प्यार मोहब्बत से बात करता है ना। हमारा नाम जाबिर मदारी है। है भाई क्या नाम? मौलाना जाबिर मदारी। अच्छा मौलाना जाबिर, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखिए फातिहा खानी जो है ना वो करना मेरे भाई बिदअत है। हम सूरह फातिहा को मानते हैं, फातिहा खानी को नहीं मानते। फातिहा खानी को नहीं मानते हैं? फातिहा को मतलब फातिहा खानी और फातिहा में क्या फर्क है आप बता रहे हैं? सूरह फातिहा वो मेरे भाई अल्लाह सुबहान तआला का जो कलाम है उसका पहला सूरा है, हम उसको मानते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है। आप ये बताइए, लेकिन खाना सामने रख के फातिहा खानी करना इसको नहीं मानते। का मतलब मकसद क्या है? जी भाई फातिहा खानी का मकसद ये है कि फ्री फंड का खाना खुसना। हमें बताइए, हमें तो कहीं इसमें पढ़ा नहीं, आप बताइए कि फातिहा किसे कहते हैं, फातिहा किसे कहते हैं?
भाई फातिया का माना होता है की सूरे जैसे अल फातिया, इसका माना होता है ओपनिंग करना, शुरुआत करना, ठीक है। तो जो मेरे जी भाई अल्लाह का कलाम है उसकी जो मेरे भाई स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग होती है, वो होती है सूरे अल फातिया से, सूरा नंबर 1। तो वो तो मेरे भाई साबित है और उसको पढ़ना चाहिए, उठते बैठते सुबह शाम जब मर्जी हो पढ़िए, ठीक है। नमाज में पढ़िए, अकेले नमाज पढ़िए तो भी सूरे फातिहा पढ़िए, इमाम के पीछे पढ़िए तो भी सूरे फातिहा नहीं, पढ़िए, आप तो वहां बहुत कोई इनकार चीजों नहीं के है। मुनकिर हो रहे हैं भाई। ये ताजिए के भी आप मुनकिर है, मैंने सुना। किसके मुनकिर औलिया के भी मुनकिर है और फातह के भी भाई? मुनकिर है। तीन भाई एक एक करके इल्जाम अगर चीजों आप के देंगे मुनकिर तो हैं मेरे भाई तो को आप समझ में आएगा, बताइए आप तो इल्जामों की बौछार हमारे ऊपर कर रहे हैं। एक एक करके इल्जाम दीजिए। चलिए हम फातिहा को नहीं मानते तो मैं बेशक हम बराबर ऐलान सुन रहा करते हैं, हूँ हम कि सूरे आप जो फातिहा को है यही मानते हैं, कह रहे फातिहा हैं खाली भाई, को नहीं मानते। ताजेदारी क्यों नहीं मानते? भाई ताजियादारी तो मेरे भाई, ये तो मेरे भाई बिल्कुल मेरे भाई गुनाह है, शिर्क है, बिदअत है। नहीं, औलिया ने ताबेदारी करी है, आप तो क्या है औलिया कुछ ने भी की नहीं है है, ना, आप कुछ भी मेरे नहीं मानते। मेरे अल्लाह के नबी ने, मेरे सहाबा ने, ताबाइन ने, तबे ताबाइन ने, यहाँ तक कि चारों अइमा ने कभी ये जो ताजिया है नहीं, ताजेदारी ताजियादारी कभी नहीं की। ताजियादारी क्यों नहीं, आप मतलब ताजेदारी क्या है इसमें हराम, आप क्यों ये करें, ये बताइए। खेल खेल तमाशा इस्लाम में जो मूर्ति पूजा है, ठीक तमाशे है, के ये सब अलावा मेरे भाई हराम है, ताजेदारी और उनका रोजे अनवर बनाना क्या है? ये सब मेरे भाई बिदअत है। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप। गलत मैं कह रहे हैं? तो भाई जब जी आपको बिल्कुल मानना ही नहीं है तो आप मेरे भाई फिर हमारी बात मतलब फिर अपन ने मतलब हमें फोन क्यों किया भाई? आप नहीं, अपने जो आपका अकीदा है मानी है मैं आपको समझा दूं। नहीं, आप समझाइए ना, दलील हमको दे दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथु बुरानकुम इन कुंतुम अरे सादिकीन। अगर आप हाँ, सच्चे हैं तो सबूत पेश कर दीजिए कि जो ये सच्चे सबूत कर ताजियादारी देंगे है ये आपको। अल्लाह के नबी ने कब किया, अबू बकर रजी अच्छा अल्लाह मालूम तआला अल्लाह ने कर कौन सी दे, ताजिया बनाई, उमर रजी अल्लाह तआला अल्लाह ने अच्छा कौन सी ताजिया बनाई, ताजेदारी से और बिदत बताओ, अल्लाह के नबी या किसी ने लिखा हमें बताओ। क्या हेलो, चीज हाँ आपके पास भाई? जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु एक अलैहि मिनट, वसल्लम मैं ने आपके मोबाइल बिदत से किसी ने सेंड कर कर दिया? दिया हूँ, इसका इसका हवाला मैं आपके मोबाइल में भेज दिया हूँ, आप चेक नहीं, करके उसको हवाला बता क्या, मौलाना दीजिए। भेज दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे शिर्क और बिदत बताया? आप इस चेक कर लीजिए। नहीं, जी, हम अपनी तरफ से तुम सिर्फ बिदत क्यों बता रहे हो? जी जी हम आपको बता रहे हैं मेरे नहीं, साहब, अपनी तरफ से या किसी की अपनी तरफ से तरफ से हम लिखी नहीं कोई बता रहे, दलील हो दावा वो नहीं, आपका है तो उसकी दलील नहीं आप मांगे। देंगे ना आप या ये उल्टा बताइए हमसे भाई, भीख में मांगेंगे, आप ये बताइए। दीन इस्लाम कहाँ निकला मेरे भाई? तुम्हारे घर दीन से इस्लाम निकला, निकला है अल्लाह के नबी अरब सल्लल्लाहु से अलैहि निकला वसल्लम है, से और निकला? अरब में कोई अरे वाह ताजेदारी वाह नहीं वाह वाह होती है। वाह, आप ये बताइए कहाँ पे अरब से हराम निकला है हमने कि नहीं सिर्फ दीन? बिदत लिखा है? आकाए कायनात अरब ने या से मेरे तमाम भाई सहाबा दीन ने, तमाम चालू हुआ है तो क्या अरब में सियाह मेरे ने, भाई तमाम कोई था? बुजुर्गान ने दीन का बताइए हमको। अरे बताइए, उन्होंने कौन सी ऐसी हदीस है जो ताबेदारी हराम है? बताइए आला हजरत को आप भाई वो मानते हैं अरे आप बताओ ना, आप क्यों घूम के फतावा फतावा रजविया की मेरे भाई जो जिल्द है वो है रजिया 24? गोली मारो, फतावा रजिया क्या तो वही तो बता रहे हैं ना, ये जो मदारी लोग हैं ये क्या आला हजरत को बताएंगे भी नहीं आप? मानते, तो आप लोग बताया तो मानते किस? नबी ने बताया, आला हजरत ने जो ताजियादारी मतलब जो अरे करना आला है और वाला कोई उसमें नहीं, चंदा देना और अरे ताजिया वाह को वाह वाह वाह, देखना ये बता दिया है हराम है। क्यों हराम बताया ये बताइए, किस वजह से हराम फतावा बताया? रजविया उसकी मेरे भाई जिल्द है फतावा रजिया 24 और क्या है? सफा नंबर हदीस 142। बताओ, अरे हदीस तो बताओ। अरे हदीस आपके लिए उज्जत नहीं है ना, आपके जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 437 उतरा हुआ है कि हमारे लिए मां को कौन उज्जत है? हदीस भेज रहा हूँ अभी, आप लाइन पे रहिए, हदीस में भेज रहा हूँ, इब्ने माजा की हदीस भेज रहा हूँ। अरे इब्ने माजा हो या कोई हो, आप बताइए फतागीदारी कहाँ से हराम है? अच्छा एक ही बताइए मेरे भाई, आपको अगर बेसिक उसूल भी नहीं जाए तो मालूम है, आराम सुन से तो लीजिए बताओ। अरे मदारी भाई, आपको बेसिक उसूल वाह भी वाह नहीं वाह, मालूम है कि ये जिसका जवाब है दावा कि नहीं? होता अब है तुम जिसका इब्ने अमल होता माजा है हो, मैंने दलील कौन वो सी देता माजा है, बता रहे हैं? तो ताजियादारी आप कर रहे हो, पता अमल है आपका रजिया है तो बता रहे हैं, मेरे भाई दलील वाह आप वाह दोगे वाह, ना? आप बता ही नहीं पा रहे। नहीं ये तो मेरे भाई वही बात होगी, कल को नहीं आप मेरे भाई होली खेलोगे आप और हम आपसे परसों कहेंगे त्योहार भाई ये का जो होली दूसरों को भी खेल तो रहे हो बेहराम दिवाली बता मना दिया रहे हो भाई, क्यों मना रहे हो, तो आप कहोगे नहीं कि दोनों कहाँ को भी लिखा है हराम कि बता मना रहे रहे हैं आप, कहाँ कुंडे भी लिखा है हराम कि हो गए, मतलब जो इमाम जाफर भाई सादिक जो ये होली रजी है अल्लाह दिवाली ताला है अनु मनाना है इसको इसमें मनाए, कहाँ दोनों को भी लिखा है? हराम बताते अभी कोई हो? आपसे पूछेगा तो क्या मेरे भाई आप उसको मनाना चालू कर दोगे? नहीं, ये आखिर में तुम कह दो क्या ये सब हराम है, तुम चले जाओ जन्नत। अरे हम इस दुनिया में भी कह रहे हैं और अल्लाह सुबहानो ताला के सामने भी कह देंगे कि ए अल्लाह अल्लाह जो सुबहानो तुम्हें ताला दलील जो दे तेरा कौन है, आसमानी दिन था उसमें दिलवावे ये फरिश्तों, ताजियादारी करना ये हराम था, इसलिए हम लोग ने नहीं किया। नहीं तुम्हें फ्री नारे जानना
कर दिया जाए बेटा। भाई मुहर्रम में भाई जो ये ढोल बजाना होता है, गम मनाना होता है, अलम उठाना होता है, ये सब मेरे भाई बिल्कुल हराम है। फतावा रजविया उसकी जिल्द 24 सफा नंबर 498। वही लोग बता सकते हैं जिसका नुतफा खराब हो वो बता सकता है। भैया मजारों को सजदा करना और मजारों का तवाफ करना ये हराम है, अहकाम शरीयत सफा नंबर 234। देखिए जो नमाज का सजदा होता है उसमें मेरे भाई जो आठ पार्ट होते हैं बॉडी के, आठ पार्ट आपके सजदे में होने चाहिए, लेकिन जो ये कौन सा इश्क है सर, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना हराम है। सजदा अलग चीज है, सर झुकाना अदब अलग चीज है बेटा। तो मेरे भाई सर आप मेरे भाई जो झुका रहे हैं उसी को तो सजदा बोलते हैं। अरे सजदा अलग है और अकीदत से सर अपने बाप के आगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना अगर जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन ये हराम है। ताज़ीमी सजदा करना हराम है और इबादत का करना शिर्क है। भाई आप एक चीज बताएं, मैं आपका फोन काट रहा हूँ भाई। देखिए भाई हम आपका फोन काट रहे हैं क्योंकि आप अकेले बोलते जा रहे हो, हमको लग रहा है मेरी बात आपके मेरे कानों में आने वाली है। सही बात है भाई, जाहिलों से मेरे भाई बड़े बड़े लामा हार जाते हैं तो हमारी क्या हैसियत है भाई। जाहिलों को ना बात करने की मेरे भाई तमीज होती है, ना उनको उसूल मालूम है, ना उनको अदब मालूम है। हाँ बकचोदी नहीं सुनते हम। देखिए भाई गाली देंगे तो जबान खींच के वही मदारी के वहाँ आपको मेरे भाई डाल देंगे, ठीक है। फिर आप दूसरी बार कहिएगा दम मदार बेड़ा पार, ठीक है, मदार भी आपका बेड़ा पार मेरे भाई फिर कर नहीं पाएंगे। तो गाली गलौज अगर करना है तो मेरे भाई जाके वहीं पे मेरे भाई जो काबे को डुप्लीकेट मॉडल आपने बना के तवाफ करते हैं, ठीक है, और गाना गाते हैं दम मदार बेड़ा पार, वहाँ जाके मेरे भाई गालियाँ दीजिएगा, हमें गाली मत दीजिए। तेरी माँ को जा मेरे भाई, तेरे ऐसे गालीबाज कितने आते हैं, ये हैं औलिया के मानने वाले, ये हैं जिंदा शाह मदार बाबा के मानने वाले जो लोगों की माँ को गाली दे रहे हैं, ये मदारी बाबा के चाहने वाले हैं। भाई हम तो मेरे नबी के मानने वाले हैं, हम तो नबी के मेरे भाई इत्तबा करने वाले हैं, इसलिए हम किसी को गाली नहीं देते। आप मेरे भाई जिंदा मदार शाह बाबा के मानने वाले हो इसलिए आप गालियाँ देते हो। मौलाना फलाना तू खुद ही बहुत आरामी है, आप परेशान ना होइए। आप जो बोल रहे हैं ना ऑडियो भी आपकी अपलोड होगी, लोग जान जाएंगे कि भाई ये जो दम मदार बेड़ा पार करने वाले हैं ये जब इल्म से जीत नहीं पाते तो लोगों की माँ बहन को गालियाँ देने लगते हैं। अरे मदारियों से टकराओगे। अरे तुम मदारी हो तो तुम्हारा बंदर कहाँ है, बंदर जाके नचाऊंगा कहाँ मेरे भाई? कुरान हदीस की बातें क्यों कर रहे हो? मदारियों का काम होता है बंदर को नचाना, ठीक है, मदारी बने हैं। अरे पहले मेरे भाई मुस्लिम तो बन जाओ, पहले सुन्नत तो बन जाओ, बाद में बनना भाई ये मदारी। नहीं नहीं फिर क्या बनाते रहे तो दिन में यार। सच्चे दिल से कलमा पढ़ लो भाई, आप जाके पहले मेरे भाई तौबा कीजिए और सूरह फातिहा को ठीक से पढ़िए। अल्लाह सुबहानो ताला फरमाता है सूरह अल फातिहा में, इया कनाब्दू वैया कनस्ताइन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये दम मदार बेड़ा पार कहाँ से आ गया? बेड़ा पार करने वाला सिर्फ अल्लाह सुबहानो ताला है, बेड़ा पार करने वाला सिर्फ अल्लाह सुबहानो ताला है, अल्लाह के सिवा कोई आपका बेड़ा नहीं पार कर सकता। माज अल्लाह तुम्हारी जो तौहीद है ना कमजोर है मेरे भाई, पहले तौहीद अपना मेरे भाई ठीक करो, ठीक है। फोन के अंदर से आ रहे भाई, आपकी इल्मी हैसियत नहीं है मेरे भाई बात। भाई दावा आप करे तो दलील आप देंगे ना, आप कह रहे हो ताजिया करना जायज है तो आप दलील दोगे, तादीक में हमसे मांग रहे हो कि कहाँ लिखा है कि मना है। अभी कल को आप मेरे भाई होली मनाओगे दिवाली मनाओगे और हमसे पूछोगे कि कहाँ लिखा है कि भाई जो ये होली है होली ना मनाओ दिवाली ना मनाओ, तो ये कोई उसूल थोड़ी ना होता है। दावा आप करे तो मेरे भाई आप दोगे ना दलील? हर सहाबा का रसूल पाक का अंबिया का सबका तो जानना में जाएगा। अरे भाई देखिए अब मातम ना चेक कीजिए बेवा औरतों की तरह, जब जवाब नहीं दे पा रहे तो मेरे भाई बद्दुआ देने लगे आप। कुरान का भी तुम मुनकिर है, फातिहा नहीं मानता, ताजी का भी मुनकिर है, हुसैन का मुनकिर है, सबका तो मुनकिर है। जन्नत उनके वास की है, जन्नत की हवा भी नहीं मिलेगी तुझे। हेलो फातिहा कुरान से साबित है बे।
फातिमा कुरान से साबित है तुमको की तरफ हो गए। अरे देखिए जो आपके मेरे भाई दम मदार बेड़ा पार हैं, यानी कि भाई वो जो मदार साहब हैं उनकी जो पैदाइश हुई थी वो मेरे भाई वो हुई थी 242 हिजरी में सुबह सादिक के बाद। कहीं से कहीं तक कुछ भी साबित नहीं है। मदार बाबा की जो उम्र थी वो थी 596 साल, 596 साल की उम्र थी। ठीक है मदार बाबा की तुम साबित नहीं कर पाओगे। मदार बाबा का जो मतलब जो रोजा है वो 556 साल का हो गया, सब बेकार है, साबित नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है ना भाई, चलिए अच्छा अब फोन काट रहे हैं आप मेरे भाई, खाली टाइम पास कर सकते हैं बात करने का आप नहीं, मेरे भाई दम नहीं साबित कर पाओगे। ठीक है ना, अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है सूरह नूह की आयत नंबर भाई 13 में कि लोगों तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम अल्लाह की जो अजमत उसका जरा भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते। भाई वही तो बता रहे हैं ना कि अल्लाह सुबहान तआला कह रहा है सूरह नूह की आयत नंबर 13 में कि लोगों तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम अल्लाह की जो अजमत उसका जरा भी ख्याल नहीं करते। आपको अल्लाह की अजमत का जरा भी ख्याल नहीं है, आप अल्लाह को छोड़ के मेरे भाई दूसरों को माबूद बना लिया। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहा और उन्होंने अपने उल्मा को दरवेश को अपना रब बना लिया, अपना माबूद बना लिया। आपने मेरे भाई जो अल्लाह के वली थे हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन आपने उनको अपना माबूद बना लिया। आप उनकी मेरे भाई दरगाह मजार आस्थाना बना के उसका मेरे भाई तवाफ करते हो, उसका चक्कर काटते हो और चादर पे चादर मेरे भाई चढ़ाते हो और जो मेरे भाई सच्चाई बताता है उसको माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देते हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कुरान में सूरह फातिर की आयत नंबर 15 में ऐ लोगो तुम सबके सब अल्लाह के दर के मोहताज हो और सिर्फ अल्लाह ही बेनियाज और खूबियों वाला है। अल्लाह ताला